कोर जावा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है। इसकी अगर आप थ्योरी समझोगे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपस में, वो इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में इधर उधर जुड़ते रहते हैं, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको कोर जावा पढ़ाने का बूटस्ट्रैप लाए हैं। इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे कोर जावा में बहुत सारी थ्योरी, ठीक है, आप कलेक्शन वगैरह लोगे तो काफी कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन सब कुछ आपका इंटरव्यू में रेलेवेंट नहीं होता है। जैसे मेरे को काफी एक्सपीरियंस है कोर जावा और इसमें काम करने का, काफी इंटरव्यूज दिए, खुद लिए हैं, दिए हैं, सब कुछ किया है, तो कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने 30 डेज का बूट कैंप क्यूरेट कराया आपके लिए, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा सीख सकें। अब आ जाते हैं इस बूट कैंप के हाईलाइट पे। इसमें दो दो घंटे के सेशन होंगे, तीन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, हर हफ्ते चार हफ्ते तक 30 दिन में, तो लगभग 12 सेशन होंगे दो घंटे के, 24 घंटे के टोटल लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें हम आपको शुरू करेंगे जावा के बिल्कुल बेसिक से, फिर वो कॉन्सेप्ट ले जाएंगे एरे स्ट्रिंग वगैरह जितना भी, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस टॉपिक कराएंगे जैसे मल्टी थ्रेडिंग कराएंगे आपको, एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग कराएंगे, उसके बाद हम कलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे। तो कोर जावा में जितना भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो सब हम इसमें कवर कर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको लीड कोड पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे और कलेक्शन भी कराएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और जितने भी हैश मैप हैश साइट है सब हम अच्छे से कराएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब कुछ इसमें आपको कराया जाएगा। और जो लाइव सेशन अगर आपको मिस हो जाता है तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी जिसका एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, जैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद आपका इंटरव्यू है किसी कंपनी में तो तब भी आप इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल पे। इंस्ट्रक्टर है मयंक दंडवानी, ये NIT दुर्गापुर के स्टूडेंट है, इन्हें काफी एक्सपीरियंस है कोर जावा और कोडिंग का, इन्होंने लगभग 500 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करी है लीड कोड पे। आप देख सकते हैं इनका प्रोफाइल, बच्चे 50 प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते और इन्होंने 500 से ज्यादा सॉल्व करी है जावा जावा में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी नॉलेज कितनी अच्छी है। कोड शेफ और कोड प्रोसेस पे भी इनका प्रोफाइल अच्छा है, काफी इन्होंने कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लिया है, रैंकिंग अच्छी है। इसके साथ साथ इन्होंने कोर जावा में 50 से भी ज्यादा बच्चों को ट्यूटर करा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इनकी काफी अच्छी समझ है, इनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके काफी आपको सीखने में मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपना डे बाय डे सिलेबस। सेशन 1 में आपका हम सेटअप कराएंगे, हम आपका JRE सेटअप कराएंगे, JDK आपका इंस्टॉल कराएंगे, जो भी आपके इश्यूज होंगे उससे रिलेटेड हम पहले सेशन से पहले वो डाउट्स ले लेंगे, सेशन के बाद ले लेंगे, ताकि आपके सिस्टम में ये चल सके। साथ साथ विजुअल स्टूडियो भी सेटअप कराएंगे। फिर हम आपको बताएंगे जावा क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है, JVM क्या होता है, JRE एनवायरमेंट क्या होता है, तो ये सारे इनिशियल चीजें हम करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेशन का सेकंड हाफ होगा उसमें हम सारे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, लूप्स और ऑपरेटर्स इस पे काम करेंगे। काफी लिमिटेड सा टॉपिक्स होता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, बट स्टिल इसको भी हम कवर करने वाले हैं। सेशन 2 में हम आके पढ़ेंगे बाकी एरे और स्ट्रिंग। एरे और स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट एक होता है, इसमें सारे आपकी चीजें समझनी होती है, इसमें प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको लीड कोड की, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, न्यू कीवर्ड का क्या मतलब होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है आपके हीप पे या स्टैक में कहीं भी, तो वो काफी आपको सीखने को मिलेगा। सेशन 3 में हम स्टार्ट करेंगे ओप्स, हम नेक्स्ट 3 सेशन ओप्स पे करने वाले हैं। पहले सेशन में हम समझेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, फिर मेथड के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रिकर्जन क्या होता है, पास बाय वैल्यू क्या होता है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो ये सब हम सेशन 3 में सीखने वाले हैं। आप काफी 2 इन्फो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एक मॉडिफायर है, तो आप पूछ सकते हैं कि प्राइवेट क्यों है, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जांपल के साथ हम आपको वो रन करके दिखाएंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि प्राइवेट क्या था, है ना, पब्लिक क्या होता है, और इस तरह के जितने प्रोटेक्टेड क्या है, तो ये हम आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे सेशन के अंदर, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होता जाए। सेशन 4 में हम आगे 4 ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सेशन 4 4 कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, मैंने सोच के नहीं किया। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको काफी पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इनके एग्जांपल्स बताइए, एग्जांपल्स के साथ इनको इंप्लीमेंट करके दिखाइए। तो लगभग 3-4 एग्जांपल हम आपको कराएंगे हर एक कॉन्सेप्ट का, तो पूरा सेशन सिर्फ हमने इसी पे डेडिकेट। सेशन 5 में हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऊप्स के, जैसे इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है, नेस्टेड क्लासेस क्या होती है, उसमें इनर क्लासेस आती है वो 2 तरह की होती है, स्टैटिक होती है, एनोनिमस होती है, और जो भी इससे रिलेटेड है वो हम पढ़ाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जो भी अच्छे इंटरव्यू में जाओगे 7-8 लाख के पैकेज में, तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, उसका और नॉर्मल क्लास में क्या डिफरेंस है, उसका इंटरफेस से क्या डिफरेंस है, और उसके साथ जो भी टर्म्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बचेंगी वो सब हम इस सेशन नंबर 5 में कवर करने वाले। सेशन 6 में हम करने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग। पहले हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन क्या होता है, कितने तरह के एक्सेप्शन आती है, अरिथमेटिक आती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आती है, नल पॉइंटर आती है, तो ये सारी टाइप्स की हम आपको कैटेगरी बता देंगे। फिर ट्राई कैच कैसे यूज करना है, उनके बेसिस पे कैसे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाते हो, फिर थ्रोज कीवर्ड होते हैं, फाइनली होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, जिससे कि आपकी सारी एक्सेप्शन की जितनी नॉलेज एक इंटरव्यू रिलेटेड पूछी जाएगी वो सब आपको आ जाए। एंड में हम डिस्कस करेंगे कस्टम एक्सेप्शन क्लास आप कैसे बना सकते हैं, आप बेस एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपना लॉजिक लिख के कोई भी आप एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड बना सकते हैं। सेशन 7 और 8 में हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप एक साथ बहुत सारी प्रोसेस चला सकते हो, उन्हें पार्ट में चला सकते हो, पैरेलली चला सकते हो, लीनियरली चला सकते हो, तो बहुत तरीके से वो हो सकती है, कैसे होती है वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। थ्रेड से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, आप एक थ्रेड क्रिएट करने की क्या क्या मेथड आप क्लास से कर सकते हैं, रनेबल इंटरफेस से कर सकते हैं, तो वो दोनों इंप्लीमेंट करा के दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे जो सीधा सीधा आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि लाइफ साइकिल क्या है, इंप्लीमेंट करोगे तो कैसे होगा, एक्सटेंड करोगे क्लास को तो कैसे आप थ्रेड को एक्सेस कर सकते हो, मुझसे खुद पूछे गए इंटरव्यू में, तो काफी
इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कोर जावा के इंटरव्यू प्रिपरेशन। सेशन 8 में हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग का, कि कैसे थ्रेड पे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग, नेमिंग और इस तरह के जो भी ऑपरेशन है वो हम आपको सिखाएंगे। प्रायोरिटी थ्रेड क्या होता है, डीमन थ्रेड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि यार क्या होता है डीमन थ्रेड, तो बच्चे नहीं बता पाते। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। सेशन 9, 10, 11 अगले तीन सेशन हम कलेक्शन पे डेडिकेट करने वाले। सबसे पहले सेशन 9 में हम पढ़ेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, उसमें क्या कलेक्शन इंटरफेस होता है, क्या क्लास होती है, क्योंकि दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कुछ इंटरफेस से इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ क्लास से होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे आइटरेटर कैसे यूज करना है, कि कैसे किसी भी कलेक्शन को आपको एक एक आइटम एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है, लिस्ट आइटरेटर क्या है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो होता है एलएलएस वो हम इस सेशन में पढ़ने वाले, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके फंक्शन, वो कैसे कॉल होता है। सेशन 10 में हम कुछ और आगे के पढ़ने वाले, जैसे लिंक लिस्ट होता है, हैश सेट होता है, हैश मैप होता है, ट्री होता है, तो ये बाकी जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सब आपको बताएंगे इंप्लीमेंट करके, कैसे इनका इंटरनल फंक्शन होता है, वो सब चीजें हम इस 10th सेशन में कवर करने वाले हैं। सेशन 11 में हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट करने वाले, कंपेरेबल क्लास होती है और एक कंपैरेटर इंटरफेस होता है, इसके बेसिस पे आप कलेक्शन से कुछ ऑपरेशन करना कर सकते हो, जैसे अगर आपको सॉर्ट करना है उसको तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, अगर आपको एक एक एलिमेंट को बाकी से कंपेयर करना है तो डिफरेंस निकालना है, तो इस तरह के ऑपरेशन आप इसकी मदद से कर सकते हो। इसके साथ साथ बाकी जितने भी कलेक्शन हमने पढ़े उस पर हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे लाइव लीड कोड पे, मतलब सेशन के अंदर ही साथ के साथ कराया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्राम कर लो घर से, साथ के साथ कराया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेनरिक्स क्या होते हैं, जेनरिक्स और कलेक्शन रिलेटेड होते हैं, वो उसी का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो काफी पूछा जा सकता है, थोड़ा एडवांस इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, 3-4 लाख की कंपनी में, 7-8 लाख की कंपनी में पूछा जा सकता है कि जेनरिक्स क्या होते हैं। लास्ट सेशन हमारा सेशन 12, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें हम जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जावा के वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे रैपर क्लास क्या होती है, ऑटो वॉक्सिंग क्या होती है, अनबॉक्सिंग क्या होती है, काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्कर इंटरफेस क्या है, रिफ्लेक्शन एपीआई क्या है, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि काफी पूछे जाते हैं। सीरियलाइजेशन क्या होता है, आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर्स की, आपका जावा के जो डिफरेंट वर्जन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है, ये हमने फर्स्ट सेशन में इसके लिए कराया, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो आपको फर्स्ट सेशन में समझ में नहीं आती, तो आपके पास थ्योरी के लिए रखना होता। तो अब हम आपको समझा सकेंगे 30 दिन के बाद जो लास्ट सेशन होगा कि इसमें क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या इनकी मतलब है, जो आप उसे अच्छे से कर सके। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इंटरव्यू स्पेसिफिक आने चाहिए, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक जैसे स्ट्रिंग हमने आपको पहले पढ़ाया था, आपको पता होगा स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है, अगर आपको मैनिपुलेशन करना है तो नया ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बट स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर एक ऐसी क्लास है जिससे आप स्ट्रिंग में ही म्यूटेशन कर सकते हो, ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम लास्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो इसका बेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप स्क्रीन पे डेट देख सकते हैं, बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर जाके भी एक्यूरेट डेट देख सकते हैं, हमारे 1-2 महीने में नए बैचेस स्टार्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, सिर्फ 1000 रुपए, जो मेंटर आ रहा है वो अपना टाइम दे रहा है, आपको एक एक डाउट लेगा तो आपको काफी फायदा उससे मिलेगा। आप सोचोगे यार फ्री में यूट्यूब पे है तो उससे क्यों ना पढ़ लो, बट होता क्या है कि आपने स्टैटिक पढ़ा वहाँ पे नहीं समझ में आया, मान लो आपने थ्रेड का एक वीडियो देखी आपको नहीं समझ में आई, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर थ्रेड समझा दो दोबारा, ये चीज समझ में नहीं आई, वो चीज समझ में नहीं आई, आप वो क्वेश्चनिंग लाइव में यूट्यूब वगैरह पे नहीं कर सकते, तो इसलिए समझो कि क्यों आपसे चार्ज लिया जा रहा है, इतना नॉमिनल लिया जा रहा है, कोई भी 1000 रुपए में आपको कोर्स जावा के सारा एग्जॉस्टिव टॉपिक्स नहीं पढ़ाएगा जितना हमने कवर कराया।